हुआ कुछ यूं कि जंगल के राजा शेर का आदेश आया कि आज के बाद किसी भी पशु का कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, यानी कि सब बच्चों को स्कूल जाना है, पढ़ लिख कर एक अच्छा पशु बनना है। फिर क्या था, राजा का आदेश कोई मना तो कर ही नहीं सकता था। सब के सब बच्चे तैयार किए गए स्कूल भेजने के लिए, और साथ में ये भी बताया गया कि जब उनका स्कूल पूरा होगा तो उन्हें पास होने पर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हाथी का बच्चा भी स्कूल गया, शेर का, बंदर का, मछली का और न जाने किस किस पशु के सब बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ ही दिनों में फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ और यूनिट टेस्ट में जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाला था, क्योंकि हाथी का बच्चा फेल हो गया था। हाथी का बच्चा फेल हो गया? अरे हाथी का बच्चा फेल हो गया, पर किसमें? अरे वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, कई बार कोशिश की और फेल हो गया। अब हाथी के माता पिता को लोग तरह तरह की बातें कहने लगे, सुझाव देने लगे और निशुल्क परामर्श, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो देने लगे। किसी ने कहा कि अरे आप चिंता नहीं करो, आप ट्यूशन दिलवाओ, कोचिंग भिजवाओ, देखो वो अच्छा कर पाएगा। अब तो हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद था कि हमारे बच्चा जो है वो किसी भी तरह से पेड़ पर चढ़ने में टॉप कर ले। माता पिता और सब लोग इसी चीज में लग गए, पूरे साल लगे रहे, किसी तरह वो साल भी था। और बस फाइनल टेस्ट का भी रिजल्ट आ गया, और फाइनल टेस्ट का जब रिजल्ट आया तो उसमें न सिर्फ हाथी का बल्कि ऊंट, जिराफ सबके बच्चे फेल हो गए। फेल तो मछली भी हुई थी, लेकिन स्विमिंग में उसने टॉप कर लिया था। अब फर्स्ट कौन आया था? फर्स्ट आया था बंदर का बच्चा। स्टेज पर उसे बुलाकर गोल्ड मेडल दिया गया, उसका सम्मान किया गया और वो खुशी में गुलाटियां मार मार के उछल रहा था और अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट और जिराफ के जो माता पिता थे, वो उन्होंने अपने बच्चों को डांटना फटकारना शुरू किया, यहाँ तक कि कुछ ने तो पिटाई करना भी शुरू कर दिया कि इतने महंगे स्कूल में तुम लोग को इसलिए पढ़ाते हैं कि ऐसा रिजल्ट लेके आओ, कितनी हमारी नाक कटवा दी, हमारी बेइज्जती करवा दी है, सीखो बंदर के बच्चे से कुछ सीखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। मास्टरनी जी बोली, आपकी बेटी की अटेंडेंस की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये बात मछली की माँ से कही गई थी। मछली ने बेटी को आंख दिखाई। बेटी ने समझाने की कोशिश की कि माँ मेरा दम घुटता है इस स्कूल में, मुझे सांस ही नहीं आती, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में, हमारे स्कूल में तालाब तो होना चाहिए ना। माँ बोली, नहीं, ये राजा का स्कूल है, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी, समाज में कुछ इज्जत कुछ रेपुटेशन तो मेरी है ना, तो तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। हाथी, ऊंट और जिराफ सब अपने अपने बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़ा बरगद मिला। उसने पूछा, भाई बच्चों को सब लोग पीट क्यों रहे हो? जिराफ बोला, पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए हैं। पर बूढ़ा बरगद सोचने लगा और एक पते की बात बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों है? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा वाला जो फल है ना वो तोड़ लो। जिराफ तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ। ऊंट भी गर्दन लंबी करके फल पत्ते खाने लगा। हाथी के बच्चे को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? मछली को तालाब में ही सीखने दो ना। दुर्भाग्य से आज हम सब भी ये सब चीजें नहीं जान पाते हैं। हर व्यक्ति, हर अभिभावक अपने बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह बनाने में लगा है। काश हमें भी कोई बूढ़ा बरगद मिल जाए और हम भी उसकी एक सीख को समझ पाए। धन्यवाद।